पिछले जो हमारे दो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून और साउथ वेस्टर्न मॉनसून को देखा था। आज हम लोग इसमें पार्ट थ्री अपना देखने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंडियन मॉनसून, स्पेसिफिकली जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है, वो केरला से होते हुए किस तरीके से पूरे इंडिया में फैलता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के दो वीडियोस नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून और साउथ वेस्टर्न मॉनसून नहीं देखे हैं, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो देखने से पहले आप पहले के वो दो वीडियोस देख लीजिए, इट वुड बी अ बिट हेल्पफुल। तो साउथ वेस्टर्न मॉनसून में बेसिकली हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरीके से जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है केरला को हिट करता है और इंडिया में जो जून जुलाई में मॉनसून है वो स्टार्ट हो जाता है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि एक बार जब यह मॉनसून केरला से आता है तो एक एक स्टेट कवर करता हुआ जाता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इंडियन मॉनसून या साउथ वेस्टर्न मॉनसून जब केरला से टकराता है तो केरला से सबसे पहले टकराता है, लेकिन ये मॉनसून तीन मेजर ब्रांचेस में डिमार्केट हो जाता है। जो वो मॉनसूनल विंड्स हैं, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बनकर आई थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जो पहली ब्रांच है हमारी, वो आपकी केरला से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट से इंडिया में एंट्री करती है, यानी मुंबई से। आप लोगों ने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि मुंबई में मॉनसून आ चुका है एंड ऑल। मुंबई से होते हुए सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कवर करती है, और उसके बाद ओडिशा एंड बंगाल को कवर करते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। इसके बाद जो थर्ड ब्रांच होती है इंडियन मॉनसून की, वो जो थर्ड ब्रांच है हमारे रण ऑफ कच्छ से होते हुए गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, बिहार से होते हुए पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो इंडिया का बेसिकली नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल रीजन है, इस तरीके से तीन ब्रांचेस से यहां पर मॉनसून करवाता है। लेकिन हमारा अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसका मॉनसून यहां पर बचा हुआ है। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मॉनसून कराने के लिए जो हमारी ब्रांच वन और ब्रांच टू है, यही दो ब्रांचेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसी इन्हीं की वजह से वहां पर मॉनसून आता है। अब ये ब्रांच वन और जो ब्रांच टू है बे ऑफ बंगाल में, ये दोनों ब्रांचेस मिल जाती हैं और एक ही ब्रांच बनती है, और ये एक ब्रांच यहाँ के अरामकोया माउंटेन से टकराकर इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर जाकर बारिश कराती है। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, जैसे मेघालय स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप मेघालय स्टेट लीजिए। मेघालय स्टेट में आपको तीन पहाड़ियां मिलेंगी जिसका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया। दिस इज योर गारो हिल, दिस इज योर खासी हिल एंड दिस इज योर जयंतिया हिल। अब ये जो तीन पहाड़ियां हैं ये बेसिकली यहां पर पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों का नाम गारो, खासी और जयंतिया इसलिए रखा गया है क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है यहां पर इन्हीं नाम की, गारो, खासी और जयंतिया नाम की ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, इसलिए नाम ही यही रखा गया है। अब यहां पर देखिए कि जब ये ब्रांच वन और ब्रांच टू इस मेघालय में एंट्री करती हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये ह्यूमिड है और कोल्ड है, तो ह्यूमिड है तो मतलब ये जो विंड्स हैं थोड़ी सी भारी हैं, तो एल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाती और तीनों हिल्स के बीच में से ये एंट्री कर लेती हैं। लेकिन जब ये एंट्री कर लेती हैं तो इन विंड्स का कंडेंसेशन शुरू होता है। कंडेंसेशन मतलब बेसिकली जो वाष्पीकरण के बाद की प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन के बाद की प्रोसेस होती है, जिसमें जो हवाएं हैं, हवा में फैले जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग एरोसोल्स बोलते हैं, उनके साथ मिलकर बादल बनाती है, क्लाउड फॉर्मेशन करती है। अब जब इन विंड्स का कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो बादल ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और ऊपर की तरफ उठ जाते हैं फिर ये बादल गारो और जयंतिया पहाड़िया के पहाड़ी के लेवल पे आ जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उस रीजन से बाहर निकल के फैलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो क्लाउड फॉर्मेशन यहां पर हुआ है गारो और जयंतिया पहाड़ी के कारण, हिल्स के कारण बाहर नहीं निकल पाते, और सारा का सारा जो प्रेसिपिटेशन है वो खासी पहाड़ी पर ही हो जाता है। इसीलिए खासी पहाड़ी पर जो दो आपको जगह देखने को मिलती है, एक का नाम है चेरापूंजी और दूसरी का नाम है मासिनराम। यहां पर आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, मोर देन 1000 सेंटीमीटर पर एनम। वो इसीलिए होता है क्योंकि गारो और जयंतिया पहाड़ी इस क्लाउड फॉर्मेशन में
जो क्लाउड्स बने हैं उनको बाहर नहीं निकलने देती है और पूरी की पूरी जो बारिश है वो खासी पहाड़ी पर हो जाती है और सारा पानी चेरापूंजी और मासिनराम पर बरस जाता है। इस तरह से ये हमारा पार्ट थ्री था इंडियन मॉनसून का जो मैंने आपको बताया। यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री मॉनसून शार। सी देखिए, प्री मॉनसून शार का मतलब क्या होता है, मॉनसून का शार तो मतलब ठीक है कि मॉनसून की बारिश हो रही है, लेकिन मॉनसून अभी पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन मॉनसून के आने से पहले की जो बारिश होती है उसे हम प्री मॉनसून शार कहते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अपने सेकेंड वाले पार्ट में यह पढ़ा था कि आईटीसीजेड जब आपका 25 डिग्री पे आ जाता है, 25 डिग्री लैटिट्यूड पर आ जाता है, तब जाके इंडिया में मॉनसून आता है। लेकिन ये जो आपका आईटीसीजेड है, अब ये क्या है, ये एक तरीके से सन ही तो हुआ, क्योंकि सन के सामने का जस्ट सामने का पैरेलल 10 डिग्री का जो डोल्ड्रम एरिया है उसे ही हम लोग आईटीसीजेड कहते हैं। लेकिन ये जो आईटीसीजेड है जो 25 डिग्री लैटिट्यूड पर आया है, ये इंडिया के सदर्न पोर्शन से भी तो होते हुए आया होगा, एम आई करेक्ट? ये इंडिया के सदर्न पोर्शन से होते हुए आया होगा, यानी सबसे पहले इंडिया के सदर्न पोर्शन पे गर्मी शुरू हुई है और वो गर्मी धीरे 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 नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए 25 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंची है। अब इंडिया का ये जो सदर्न पोर्शन है इसके आसपास तो पूरी तरह से पानी है, यहां पर अगर आप देखें तो अरेबियन सी मिलता है, यहां पर अगर आप देखें तो बे ऑफ बंगाल मिलता है, इसके साउथ में अगर आप देखते हैं तो आपको इंडियन ओशन मिलता है। तो ये आईटीसीजेड जब केरला से होकर गुजरा या कर्नाटक से होकर गुजरा या चलिए फिर बंगाल तक भी चला गया, तो आसपास का जो रीजन है पानी का वो भी तो गर्म हुआ होगा। इस लैंड सरफेस के अलावा जो आसपास का पानी का एरिया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये भी तो गर्म हुआ होगा। तो जब ये आसपास का अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का पानी गर्मी के दिनों में बारिश से जस्ट पहले गर्म हुआ था, तो क्या ये वाटर बॉडीज में इवेपोरेशन नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा। और जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन आपको पता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो पानी है वो वाष्प बनकर, हीट गैस बनकर ऊपर की तरफ उठता है, उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद जो कंडेंसेशन है उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ उठी और ठंडी हो गई, और वो जो विंड है वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्या बनाती है, क्लाउड फॉर्मेशन करती है। तो कंडेंसेशन एक बार हो गया तो क्लाउड फॉर्मेशन भी तो हो जाएगा, और ये जब क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो क्या जहां जहां पर इवेपोरेशन हुआ था, कंडेंसेशन हुआ है, क्या वहां पर बारिश से पहले बारिश नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही जो प्रोसेस है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की, जो आईटीसीजेड की वजह से होती है, जो मॉनसून से पहले प्री मॉनसून शार लेकर आती है, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसे प्री मॉनसून शार ही कहा जाता है। अब इस प्री मॉनसून शार को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप केरला की बात करें तो केरला में हम इसे, इस प्री मॉनसून शार को मैंगो शार के नाम से जानते हैं। अगर आप कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में हम इस प्री मॉनसून शार को चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, राइट? और अगर आप लोग बंगाल की बात करें तो बंगाल में इसी प्री मॉनसून शार को हम लोग काल बैसाखी या काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। ये हमारे प्री मॉनसून शार होते हैं, जो बारिश से पहले का मॉनसून आपके लिए कुछ फुहारे बारिश की लेकर आते हैं। ये हमारा इंडियन मॉनसून का थर्ड पार्ट था। क्लाइमेटोलॉजी के कुछ और वीडियोस बचे हैं, और इसी तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस तरीके की वीडियोस को चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। वन ऑन वन अगर आपको डिटेल टीचिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन chahalacademy.com, वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आप हमें टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।